बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो बन पा रहा है, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन मैं नहीं बना पाई, बट मैं आपके मैसेजेस बहुत पढ़ रही थी। मुझे पता है बच्चों के प्रीपेड शुरू होने वाले हैं और कई जगह पर शुरू हो चुके होंगे, लेकिन अब आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो बहुत जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी हम लोग ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी, जिसके डे 8 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डे 9 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी और इस चैप्टर को एज सून एज पॉसिबल खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा समझ कर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रोबेबिलिटी से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका जो क्लास 10th है एनसीईआरटी की बुक है, क्वेश्चन नंबर 28 बेटा आपको बोलता है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसमें से आपको पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज देयर मिडेन एंड देयर मोड। तो उसकी आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो चीज आपको सेलेक्ट की जाए, अगर वो इसी दैट्स ऑब्जर्वेशन का मिडेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर हम इसको मोड सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहेगा ए पार्ट में आपका मिडेन निकालना। मिडेन क्या होता है बेटा, आप ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में सीख चुके हो, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको वो दे देती हूँ हिंट यहाँ पे। यहाँ पर बेटा जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, जितने भी नंबर होते हैं, पहले आप उनको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऑब्जर्वेशन है। 15 क्या है आपका, क्या है ऑड है या इवन है? 15 एक ऑड नंबर है। तो मिडेन के लिए आप क्या करते हैं बेटा, अगर इन केस ऑफ ऑड कंडीशन, ऑड कंडीशन में क्या रहता है बेटा कि जो आपका एन है, एन में आप प्लस वन करके अपॉन में डिवाइडेड बाय टू कर देते हो, तो जो टर्म होती है, जो टर्म आती है वो आपका उस ऑब्जर्वेशन का मिडेन कहलाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है दैट्स ऑड का। तो यहाँ पर n क्या है बेटा, हमने ऑलरेडी काउंट किया 15 है, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना हो गया बेटे 16 बाय 2। तो यहाँ पर आपकी कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई, 8th ऑब्जर्वेशन। तो मतलब जो 8th पोजीशन पे जो चीज बैठी हुई है वो हमारा क्या है, इस पूरे दैट्स ऑब्जर्वेशन का क्या है, मिडेन है। तो यहाँ पे 8 नंबर पे फाइंड आउट करेंगे, 8 नंबर पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 नंबर पे आपका कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन, 7 नंबर है। तो हमारा इसका मिडेन क्या है, आपको पता चल गया कि मिडेन क्या है, मिडेन आपका क्या है 7 है। तो 7 है, अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मिडेन की। तो प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी, मैंने आपको अपनी क्लास में, पिछली क्लासेस में बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कि जो नंबर चाहिए, जो नंबर हमें, जो आउटकम चाहिए हमें, वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आने के कितने चांसेस है बेटा, सिर्फ 7 क्या है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर 4 क्या हो गया, इसके आउटकम्स हो गए, और टोटल आपको पता है कि नीचे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 15 है। तो 4/15 क्या हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है इन केस ऑफ मिडेन, मिडेन की कंडीशन में ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इस क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन बहुत इजी है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जो मोड है, अब उसने क्या है कि मोड की प्रोबेबिलिटी निकालो। मोड होता है बेटा आपको कि जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो उस इंटरवल का मोड कहलाता है, ठीक है। मतलब जो नंबर ज्यादा बार आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2-1 टाइम आया है, 3-2 टाइम आया है, 5-3 टाइम है, 7-4 टाइम है, लेकिन जो यहाँ पे 9 है वो 9 जो है 5 टाइम आया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर मोड क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर मोड क्या हुआ बेटा आपका, क्या हो गया, 9 हो गया, हमने पता लगा लिया। अब उसके बाद क्या होता है, अब आप जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 9 आने के चांसेस कितने हैं, 5/9 आ सकता है, मैक्सिमम 5 चांस है। तो 5/ टोटल आउटकम्स आपके 15 है, तो 1/3 जो होता है आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है इन केस ऑफ मोड। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने 25 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज आप पीछे वाले डेज प्रोबेबिलिटी के देख सकते हैं सीड एकेडमी में। और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी और आपका कोई भी चैप्टर इवन कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बोलता है कि टू फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेंड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। डाइस के क्वेश्चन हम बेटा ऑलरेडी बहुत बार मैं आपको करवा चुकी हूँ। डाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एक डाइस, कार्ड्स, बैग्स और आपका कॉइन्स, ये ज्यादातर बेस है प्रोबेबिलिटी के। तो यहाँ पे 26 में ये बोलता है कि उसको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है सम ऑफ सम एंड मल्टीपल है आई थिंक, यस सम ऑफ द नंबर्स, दैट इज सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर है कि यहां पर आपको क्या चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए जो क्या होंगे, जिनको प्लस करने पर सम है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या है, जो दोनों आपके आउटकम्स आ रहे हैं या जो दोनों डाइस आते हैं उनका सम होना चाहिए और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम डाइस ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि भाई 1-1 होता है। आपको सबसे पहले सबको पता है कि डाइस में हम लोग कैसे लगाते हैं, 1-3 होता है, 1-4, 1-5 और 1-6। ठीक है, यहाँ पर आप सेम लिखेंगे, 2-1 है, 2-2 है, आप 2-3 है, 2-4 है, 2-5 है और 2-6 है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप करेंगे 3-1 है, 3-3, 3-2 है। इस तरीके से ये आपकी पूरी दोनों डाइस के जो आउटकम्स बनते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कि दोनों डाइस के क्या आउटकम्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे अपने, वैसे तो आप दिमाग में लगा ही सकते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, लेकिन जो नए हैं और थोड़े से वीक है अपने पढ़ाई में वो अगर ऐसे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट होता है आपका आंसर सही होना बेटा, कि आप अपने आंसर को सही प्रेजेंट करें। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या है, गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो ये सारे आपके क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। और हम सबको पता है कि जब दो डाइस फेंके जाते हैं तो उनका आउटकम्स क्या होता है, 6x6 होता है, दैट इज 36, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्या होता है, 6 की पावर क्या होती है, 2 होती है, क्योंकि उसके फेसेस 6 होते हैं और 2 डाइस है इसलिए उसकी पावर 2 होती है। अगर इसी को यहाँ पर अब देखोगे कि जो सम है बेटा वो क्या होना चाहिए, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो 1+1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो ये तो नहीं यूज होगा। वर्ष हमें 1+2 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1+5 6 हो गया, उसके बाद 2+1 3 हो गया, उसके बाद आपका 2+4 6 हो गया, उसके बाद आपका 3+3 आपका 9 और 3 6 हो गया, और 3+6 आपका 9 हो गया, उसके बाद आप 4+2 आ जाता है, और 4+2 के बाद 4+5 आ जाता है, यहाँ पर आपका 5+1 आएगा, 5+1 5 और 4 आ जाता है, इसके बाद 6 और 3 आ जाता है बेटा, और यहाँ पर 6 और 6 12 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर में से दो 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 आउटकम्स आ गए तो टोटल आपके पास कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 12 डाइस के पेयर्स बनते हैं जिसे अगर आप उनके जो नंबर्स आए हैं उनका सम करते हैं तो वो या तो 3 या 3 के मल्टीपल बनते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने रहते हैं, 36 रहते हैं। तो यहाँ पे 1/3 जो आपका आंसर होता है इन केस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। क्लियर है, होपफुली बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ आपका 29 लेती हूँ। 29 बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इजी लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसी पेयर में, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29।
29 में बहुत इजी है, 29 में ये बोला गया है आपके क्वेश्चन में कि अ कपल हैज टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो एक कपल को दो बच्चे हुए हैं, मान लीजिए कि वो ये कहता है कि दोनों बच्चों की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों गर्ल्स होंगे। पहले टोटल आउटकम्स क्या होंगे बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि या तो दोनों गर्ल्स होंगी या दोनों बॉयज होंगे, ठीक है, या क्या होगा एक गर्ल होगी और एक बॉय होगा। तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। अब इसमें से उसको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, बोथ गर्ल्स की चाहिए, कि दोनों क्या होनी चाहिए, कंपलसरी है कि जो पैदा हुई है वो दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, उनके चांसेस क्या है। तो यहाँ पर 1/3 और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 3। तो 1/3 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ कि 1/3 प्रोबेबिलिटी के चांसेस बनते हैं कि जो कि दोनों गर्ल्स होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि सीता और गीता जो है दो सिस्टर्स हैं और जो उनके एज का जो डिफरेंस है वो 3 years है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बोर्न इन अ लीप ईयर। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या आती है, बोथ इन अ लीप ईयर, बोथ इन अ लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहली बात आपको पता है लीप ईयर क्या होता है, जब आपका 366 डेज होते हैं और लीप ईयर की कंडीशन होती है कि लीप ईयर 4 साल बाद ही आता है। अगर 2000 में लीप ईयर है तो 2004 में ही लीप ईयर अगला आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा ये कंडीशन बोथ इन अ लीप ईयर की भाई आप दोनों ही लीप ईयर में पैदा हुई ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3 years का है। तो अगर मान लीजिए कि मैं अगर मानूं कि सीता अगर 2000 में पैदा हुई है तो उसके जस्ट 3 साल बाद उसकी उसकी सिस्टर पैदा हुई है, तो गीता 2003 में पैदा हुई होगी, होगी नहीं होगी, लेकिन लीप ईयर तो 2004 में आने वाला है नहीं आने वाला है। तो दोनों ही लीप ईयर में हुई ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम उनकी एज का डिफरेंस जो है लीप ईयर दोनों में होने के लिए 4 चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या जाती है, बोथ इन अ लीप ईयर इज 0। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन आपकी आ जाती है कि वो दोनों लीप ईयर में नहीं हो सकते। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, इसमें ये बोलता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इन अ लीप ईयर, ठीक है, कि ये बोला गया कि चलो ठीक है दोनों तो नहीं हो सकती है, लेकिन उनमें से क्या है कोई एक को लीप ईयर में पैदा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन किस में पैदा हुआ है, लेकिन दोनों का डिफरेंस हमें पता है, दोनों का डिफरेंस पता है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या रहेगी बेटा, अगर हम मान लेते हैं कि जो गीता है, लेट करते हैं गीता को कि गीता एक्स ईयर में पैदा हुई है, कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है, मे बी इट्स अ लीप ईयर, मे बी इट्स नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो नया साल होगा वो X+1 होगा, इसके बाद जो दूसरा साल होगा वो X+2 होगा, और जो इसके बाद तीसरा साल होगा वो X+3 होगा, होगा या नहीं होगा, ये 3 कंडीशंस आएंगी। उसके बाद X+3 के बाद जो होगा वो उसका बॉर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं, जो X+1 है, X+2 है और X+3 जो है आपकी क्या है, ऐसी कंडीशंस होंगी जब आपका कोई ना कोई एक इनमें से लीप ईयर होगा ही होगा। इट्स कंपल्सरी कि यहाँ पर अगर X+1 लीप ईयर हो सकता है तो 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 साल का डिफरेंस चाहिए। अगर X+2 लीप ईयर है तो 3 और 1 नहीं होगा, अगर 3 है तो X+2 और X+1 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपके टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं कि यहाँ पर आपका 1/1 हो जाता है कि इनमें से एक होगा, और टोटल आउटकम्स क्या है, 3 है, ठीक है। और एटलीस्ट बोला है तो प्रीवियस दोनों का हो वो आपका 0 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/3 कि उनमें से मिनिमम एक जो है वो क्या होनी चाहिए, लीप ईयर में पैदा होनी चाहिए, क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और बहुत जल्दी ही हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे और बाकी चैप्टर्स को भी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन बोलता है आपका बेटा कि अ कपल हैज टू सॉरी अ बैग कंटेन्स 1000 पेंस विद डिफरेंट कलर्स, 100 पेंस आर टेकन आउट फ्रॉम द बैग, 20 रेड 35 ग्रीन। तो पहले आप लिख लीजिए, जो वो बोल रहा है कि जो 20 रेड है
35 ग्रीन है आपके पेन्स एक बैग में से निकाले जा रहे हैं, तो 20 आपके रेड, 35 ग्रीन है, 15 आपके ब्लू है, 15 आपके ब्लू है, और जो रिमेनिंग है वो आपके ब्लैक है। ओके, और यहाँ पर रिमेनिंग आपके ब्लैक है, ठीक है, तो रिमेनिंग आपके कितने हैं, ब्लैक बन जाते हैं। तो ब्लैक पेन्स कितने हो जाएंगे आपके, 100 में से माइनस कर देंगे आप, 100 पेन्स आर टेकन आउट। ओके, उसने वापस 100 निकाले हैं, कितने निकाले हैं उसने, उसमें से 100 पेन्स निकाले हैं टोटल में से। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हो कि टोटल 100 है, तो ब्लैक पेन कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 माइनस 20 प्लस 35 प्लस 15, तो 35 प्लस 15 आपके हो जाते हैं 50 प्लस 20 70, और ये आपके ब्लैक पेन हो गए 30। तो इस रेशियो में उसने क्या किया है, बाहर निकाले हैं। तो वो पहला बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड पेन, अब आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसने रेड पेन निकाला ही ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड पेन, ठीक है। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, या तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पेन निकाल के माइनस वन कर दीजिए कि भाई आप सीधे सी बात है, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की निकाल के माइनस वन कर देती हूँ, 1 माइनस 20 बाय आपकी 100 हो गई, तो यह हो जाएगा आपका 4/5। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि रेड को छोड़ के बाकी सब लिख लीजिए, 35 प्लस 15 प्लस 30 अपॉन में 100, तो ये आपका हो जाता है 80/100, तो ये आपका हो जाता है 4/5। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये दूसरा पूछता है कि ग्रीन पेन, अगर ग्रीन पेन निकाला जाए, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन पेन कि अगर ग्रीन पेन निकाला गया, तो ग्रीन पेन ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर कितने आउटकम्स हैं, ग्रीन पेन के लिए 35 है, तो 35 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका हो जाता है 7/20, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पेन आ जाती है। क्लियर है, होपफुली आपको जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे और कहीं ना कहीं आपको जरूर यूज होंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।